बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये टू कलर कॉइन पर्स बनाने सिखाऊंगी, जिसके ऊपर हम बीट बटन ऐड करेंगे। ये इसकी ओपनिंग साइड है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पर्स पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये कॉइन पर्स बनाना सीखना हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें दो कलर के यार्न बाल की ज़रूरत है, इसके अलावा एक बीड की ज़रूरत है, यार्न नीडल की ज़रूरत है, सीज़र की ज़रूरत है और क्रोशे हुक की। मैं 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक यूज़ करूँगी इस प्रोजेक्ट के लिए। तो चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिंगर्स के ऊपर यार्न को रैप करते हुए क्रोशे हुक की मदद से स्लिप नॉट बनाएंगे और स्लिप नॉट बनाने के बाद 4 बेस चेन बनानी है हमने। चेन 1, चेन 2, चेन 3 एंड चेन 4। 4 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे सर्कल बनाने के लिए, और इस सर्कल के ऊपर अपनी फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे चेन 2 से और डबल क्रोशे बनाएंगे 12 टाइम्स। डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 3 एंड डबल क्रोशे 4। इसी तरीके से हमने अपने 12 डबल क्रोशे बनाने हैं सर्कल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने 12 डबल क्रोशे बना लिए हैं। 12 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम फर्स्ट डबल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे और सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे अगेन चेन 2 से, और हमारी जो वेरी फर्स्ट स्टिच है इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे 2 टाइम्स। हमने हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे ही बनाने हैं। सेकंड स्टिच में भी बनाएंगे 2 टाइम डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। थर्ड स्टिच में भी इसी तरीके से बनाना है डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2। तो इसी तरीके से आप 2-2 डबल क्रोशे सिंगल स्टिच में बनाते हुए टोटल 24 से अपने राउंड को कम्प्लीट करेंगे। तो ये मैंने 24 स्टिचेस बना ली हैं। अब मैं फर्स्ट डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच करके राउंड को फिनिश करूंगी और थर्ड राउंड स्टार्ट करूंगी अगेन चेन 2 से, और फर्स्ट स्टिच में बनाऊंगी डबल क्रोशे और जो उससे सेकंड स्टिच है इसमें 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में बनाऊंगी डबल क्रोशे और उससे नेक्स्ट स्टिच में बनाऊंगी 2 डबल क्रोशे, डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2। तो हम लोग डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे के पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए थर्ड राउंड में टोटल 36 स्टिचेस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 36 स्टिचेस बना के स्लिप स्टिच बना ली है। अब मैं आपको फोर्थ राउंड स्टार्ट करना बताऊंगी। चेन 2 बनाएंगे, फर्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे, सेकंड स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे और जो थर्ड स्टिच में स्टिच है इसके अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2। उससे नेक्स्ट 2 स्टिचेस जो हैं उसमें भी सिंपल डबल क्रोशे बनाना है, और उससे नेक्स्ट जो थर्ड स्टिच है इसके अंदर इंक्रीज़ करना है डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। तो आप लोगों ने इसी तरीके से 2 डबल क्रोशे और थर्ड में इंक्रीज़ करते हुए टोटल 48 स्टिचेस बना लेनी है इस राउंड में। तो इसी तरीके से अपने राउंड को कम्प्लीट कर लें। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फोर्थ राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको फिफ्थ राउंड बताऊंगी। फिफ्थ राउंड में हम थर्ड के बाद इंक्रीज़ करेंगे चेन 2 बनाएंगे, फर्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे, सेकंड स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे एंड थर्ड स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे, और जो नेक्स्ट 4th स्टिच है इसके अंदर इंक्रीज़ करेंगे डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। नेक्स्ट 3 स्टिचेस में भी हमने सिंपल डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2 एंड डबल क्रोशे 3, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट 4th स्टिच होगी इसके अंदर हमने इंक्रीज़ करना है, 2 डबल क्रोशे बनाने हैं डबल क्रोशे 1 एंड डबल क्रोशे 2 इन द सेम स्टिच। तो आप लोगों ने इसी तरह 3 डबल क्रोशे और 4th स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाते हुए अपने राउंड में टोटल 60 स्टिचेस बनानी है। तो इसी तरीके से आप अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे।
तो फ्रेंड्स मैंने अपने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 5 राउंड के बाद मैं यार्न को रिमूव कर लूँगी, क्रोशे हुक को रिमूव कर लूँगी सॉरी, और स्टिच मार्कर की मदद से इसको क्लोज कर लूँगी। और नेक्स्ट कलर के जो हमारा यार्न है इससे भी हमने इसी तरह का एक 5 सर्कुलर पैटर्न बनाना है, सेम 12 के मल्टीपल का। तो ये मैंने सेम इसी सीक्वेंस को रिपीट करते हुए अपना 5 राउंड का सर्कल तैयार कर लिया है। इस सर्कल को तैयार करने के बाद हम लास्ट में इसमें बटन होल छोड़ेंगे, उसके लिए हम चेन्स बनाएंगे 5। आप अपने बटन के साइज़ के हिसाब से चेन्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे से 4 चेन्स को स्किप करते हुए 5th चेन के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे। और स्लिप स्टिच बनाने के बाद यार्न को पुल ओवर करते हुए कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम जो हमारा एक्स्ट्रा यार्न है इसको यार्न नीडल की मदद से बैक साइड पे स्टिच कर देंगे ताकि हमारा वर्क जो है वो सिक्योर रहे। इस तरीके से आपने कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजार के इसे सिक्योर। तो फ्रेंड्स मैंने बटन होल तो बना लिया है, अब मैं इसको दोनों साइड्स को आपस में ज्वाइन करूँगी। तो ये हमारी फ्रंट साइड है, हमने बटन होल के एक साइड से 5 स्टिचेस को स्किप करना है और जो हमारी 6 स्टिच है इस 6 स्टिच के अंदर हमने स्टिच मार्कर अप्लाई कर देना है। फिर इसको उल्टा कर लेना है और इसके ऊपर दूसरा पीस रख के हमने ज्वाइन करना है, जिसके लिए हम चेन 1 बनाएंगे और यहाँ से हम जो हमने 6 स्टिच के अंदर स्टिच मार्कर अप्लाई किया था उसके अंदर हुक को गुजारेंगे और स्टिच को रिमूव कर देंगे। स्टिच मार्कर को रिमूव करने के बाद हमने सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। हम दोनों साइड के जो हमारे डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं इनके फ्रंट 2 लूप्स के अंदर से गुजारते हुए इसको जोड़ेंगे। जिस तरीके से आप लोगों को नज़र आ रहा है हमने सिर्फ फ्रंट 2 लूप्स के अंदर से गुजारना है और बहुत ध्यान से गुजारना है ताकि कोई स्टिच स्किप ना हो। और हम इसी तरीके से इस सारे एंड को जोड़ेंगे सर्कल को। तो ये मैंने सर्कल को जोड़ लिया है। इसके बाद मैंने ओपन पार्ट रखना है यूज़ करने के लिए, जिसके लिए मैंने 5 स्टिचेस जैसे फ्रंट में छोड़ी थी इस तरीके से लास्ट में भी मैं 5 स्टिचेस जो हैं वो सिंगल अपर साइड से बनाऊंगी इसके अंदर सिंगल क्रोशे बनाते हुए। तो इसी तरीके से हम 5 स्टिचेस के अंदर सिंगल क्रोशे बना के यार्न को पुल ओवर कर लेंगे। 6 स्टिच में मैंने स्टिच मार्कर अप्लाई किया था, मैंने अब स्टिच मार्कर को रिमूव कर दिया है। हम नीडल की मदद से बीड को ज्वाइन करेंगे। ये मैंने बीड को ज्वाइन कर लिया है। बीड को ज्वाइन करने के बाद हम नीचे से स्टिचेस स्किप करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 और जो हमारी 6 स्टिच है इस 6 स्टिच के अंदर हमने स्लिप स्टिच बना लेनी है और सिंगल क्रोशे बनाना है इसी सेम स्टिच में। अब उससे जो नेक्स्ट 5 स्टिचेस हैं इस स्टिच को इंक्लूड करते हुए इनमें हम सिंगल क्रोशे बना के अपनी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने अपनी रो को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था इसके अंदर स्लिप स्टिच करते हुए यार्न को पुल ओवर कर लूँगी और बैक साइड के कुछ स्टिचेस के अंदर से गुजारते हुए हम अपने वर्क को सिक्योर कर लेंगे। तो मेरा बहुत ही प्यारा सर्कुलर सा क्वाइन पर्स रेडी है। अगर आप लोगों को ये क्वाइन पर्स पसंद आया हो तो इसको ट्राई ज़रूर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।